क्या आपको पता है मैगी जो ब्रांड है वो 138 ईयर्स पुरानी है। एंड आज के टाइम पे इंडिया में हर साल मैगी का सेल होता है तकरीबन 264,000 मैट्रिक टन के आसपास, जिसकी तकरीबन वैल्यू होती है इंडियन करेंसी में 4,000 करोड़। इवन जो सनफीस्ट का जो नूडल है या तो फिर पतंजलि का नूडल जो है, इतनी बड़ी ब्रांड्स भी अपने नूडल में मैगी को बीट नहीं कर पा रही। एंड मिल्क एंड न्यूट्रिशन जो सेक्टर रहता है इंडिया में, उसमें मैगी का मार्केट कैप है 46%। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है मैगी में, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करती है मैगी जिसकी वजह से इंडिया की कोई भी FMCG प्रोडक्ट जो मैगी है उसको बीट नहीं कर पा रही। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मैगी किसी भी तरीके का इसमें रॉकेट साइंस यूज़ नहीं कर रहा। एक छोटा सा ऐसा आइडिया है जो आज के टाइम में भी मैगी को हर साल करोड़ अरबों रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी आइडिया के बारे में डिस्कस करने वाले, सो वीडियो को पूरा देखेगा। तो मेरा नाम है स्मित ठक्कर, आई एम योर फाइनेंशियल आर्किटेक्ट, लेट्स बिगिन द वीडियो। साल 1882 में स्विट्जरलैंड के जूलिया मैगी ने मैगी प्रोडक्ट को लॉन्च किया एंड इंडिया में उसके एंट्री 1983 में नेस्ले कंपनी ने उसको लॉन्च किया। तो जब मैगी इंडिया में लॉन्च हुई तब उसका टारगेटेड कस्टमर बेस था वर्किंग वीमन, मतलब कि वो महिलाएं जिन पर काम के साथ साथ घर की भी जिम्मेदारी है। सो उनके पास जाहिर सी बात है कि खाना बनाने का उतना टाइम नहीं रहता होगा। सो मैगी ने सोचा कि क्यों ना हम प्रोडक्ट उस तरह से लॉन्च करें कि ताकि जब भी महिलाओं के पास डिनर या तो फिर लंच बनाने का टाइम नहीं होता, तब वो उसको मैगी के साथ रिप्लेस कर सकते और बहुत ही कम टाइम में फटाफट उसको कुक करके डिनर एंड लंच के टाइम में लोग उसको कंज्यूम करना शुरू करें। नेस्ले कंपनी को पता था कि अगर किसी कस्टमर के माइंड में एंटर होना है तो उसके पीछे का सिर्फ एक ही सीक्रेट है, वो है बीइंग फर्स्ट, मतलब कि सबसे पहले इंडिया में ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च की जाए जिसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स होते हैं वो इस तरह की प्रोडक्ट्स को जल्दी से अडॉप्ट करते हैं। एंड उसके बाद मैगी का टैगलाइन सोचा गया इंस्टेंट नूडल। नेस्ले ने सोचा कि ये टैगलाइन से मैगी का सेल भी बढ़ेगा एंड आगे जाके मैगी को एक अच्छा मार्केट मिलेगा। लेकिन यहां पे चीज हो गई पूरी उल्टी। स्टार्टिंग फेज में मैगी को बहुत ही भारी नुकसान झेलना पड़ा, इवन उसके साथ साथ मैगी का इंडिया में सर्वाइव करना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसके पीछे का मेन जो रीज़न था वो था हमारे यहाँ पे जो इंडिया के लोग हैं उनकी रूटीन लाइफ। जी हाँ, सो रूटीन लाइफ का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में लोग डिनर एंड लंच में मैक्सिमम केस में रोटी सब्जी एंड राइस ज़्यादा प्रीफर करते थे। तो ये जो हमारा स्ट्रांग बिलीफ था कि भाई हमारा रूटीन में लंच एंड डिनर में ये तीन चीज़ें होनी ही चाहिए, इसकी वजह से मार्केट में मैगी जो था वो अपना एक जगह नहीं बना पा रहा था, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि उनका टारगेट सेगमेंट ही ये था कि भाई हमें किसी भी तरह से लंच या तो फिर डिनर में मैगी को रिप्लेस करना है। इनिशियल स्टेज पर फेलियर मिलने के बाद नेस्ले कंपनी ने इंडिया के जो लोग हैं उनके बिहेवियर पर स्टडी करना शुरू किया एंड स्टडी में ये पता चला कि यहाँ पे जो इंडिया के जो एडल्ट्स है स्पेशली उनकी जो फूड हैबिट्स है उसको चेंज करना उतना ईजी नहीं है, क्योंकि जनरल लोग जो रहते हैं वो अपने लंच और डिनर में स्पेसिफिक चीज ही रखते हैं जिसको मैगी से रिप्लेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसीलिए नेस्ले कंपनी ने सोचा कि क्यों ना अभी जो टारगेट ऑडियंस है उसको शिफ्ट किया जाए। आफ्टर दैट उन्होंने सोचा कि लंच या तो डिनर के रिप्लेसमेंट के जगह पे हम मैगी को रिप्लेस कर सकते हैं इवनिंग के नाश्ते के साथ, क्योंकि जनरल केस में ये होता है कि बच्चे जो होते हैं वो स्कूल से आने के बाद शाम को नाश्ता मांगते हैं, उस टाइम पे मैगी एक ऐसी चीज है जिसको फटाफट बनाकर जो उनके मदर है वो अपने बच्चों को वहां पे सर्व कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी बड़ी दिक्कत ये थी मैगी के लिए, दो चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंज था कि जनरल केस में लोग जो रहते हैं वो ऑलरेडी जो बना बनाया सामान जो है उसको कंज्यूम करना ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि बिस्किट से या तो फिर चिप्स से। एंड सेकेंड जो चैलेंज था मैगी के लिए वो था कि अगेन वर्किंग वुमेन के लिए हर रोज के लिए मैगी को इवनिंग के नाश्ते के लिए बनाना ज्यादा डिफिकल्ट था। लेकिन नेस्ले को पता था कि ये जो मैगी का टेस्ट है वो बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। इवन बच्चों की जो फूड हैबिट रहती है वो एडल्ट्स की तरह इतनी स्पेसिफिक नहीं होती और उसको फूड हैबिट को चेंज करना बहुत ही ज्यादा ईजी होता है बच्चों के लिए पर्टिकुलर। इसलिए मैगी ने 2006 में बच्चों एंड मदर को टारगेट करते हुए एक एडवर्टीजमेंट निकाली। बस उस एडवर्टीजमेंट के बाद से लेकर आज तक मैगी ने कभी भी मुड़कर पीछे नहीं देखा एंड मैगी को रातों रात इतनी सक्सेस मिल गई कि आपको पता ही कि आज मैगी जो है वो कौन से लेवल पे है। सो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आखिर ऐसा वो एडवर्टीजमेंट में क्या था कि मैगी की जो एक सेल थी वो रातों रात इतनी ज्यादा ट्रिगर हो गई। सो
बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग का यही आंसर होगा। इवन मैंने भी पहली बार ये केस स्टडी सुनी थी तब मुझे भी यही आंसर लगा था कि ऑब्वियसली कि उसमें मदर एंड चिल्ड्रन को दिखाया गया, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों की वजह से मैगी का जो सेल है वो इतना ट्रिगर हुआ। लेकिन वो बात गलत थी। सबसे ज्यादा और सबसे इफेक्टिव चीज ये रही कि जब एडवर्टीजमेंट चल रही है उसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने मदर से बोलते हैं कि मॉम आई एम हंग्री, एंड उसमें जो मदर रहते हैं उनका जवाब होता है बस 2 मिनट्स। तो ये जो 2 मिनट्स जो एक स्लोगन है जो यूज किया गया है एडवर्टीजमेंट में, उसने मैगी के सेल को रातों रात बढ़ा दिया। एंड आज के टाइम में भी मैगी का जो पैकेट रहता है उसमें आप देख रहे होंगे 2 मिनट नूडल। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मैगी को 2 मिनट में बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो उसमें लिखते हैं बिकॉज यही वो टैगलाइन है जिसकी वजह से हमें लगता है कि हाँ भाई अभी खाने के लिए कुछ नहीं, चलो मैगी बना लेते हैं। सो यहाँ पे दो ऐसे फैक्टर है जिसने मैगी को बहुत ही ज्यादा एडवांटेज दिया। सबसे पहला था यूटिलिटी फैक्टर, मतलब कि मैगी का जो टेस्ट रहता है वो बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। सो यहाँ पे वो फैक्टर ज्यादा काम कर रहा है। एंड सेकेंड जो फैक्टर है वो है इमोशनल फैक्टर, मतलब कि एडवर्टीजमेंट में बच्चों को और मदर को दिखाकर एक इमोशनली कॉन्टेक्ट कर दिया इंडिया के लोगों के साथ है। इसकी वजह से मैगी को रातों रात इतनी ज्यादा सक्सेस मिली। सो यहाँ पे हमें इस केस स्टडी से 2 बातें सीखने को मिली। सबसे पहली चीज की जो छोटा सा आइडिया है वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, जैसे कि एक छोटे से आइडिया 2 मिनट नूडल्स के स्लोगन ने पूरे नेस्ले कंपनी की जो एक सेल थी मैगी की उसको डायरेक्टली आसमान पर पहुंचा दिया। एंड सेकेंड जो बात हमें सीखने को मिली वो है कि कीप प्रोडक्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। प्रोडक्ट जितनी सिंपल एंड रिलायबल रहेगी कस्टमर्स उतनी ज्यादा उसको एडॉप्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको कीजिएगा लाइक, एंड हो सके उतना आपको उसको शेयर करना है। एंड अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो प्लीज मेरी चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब एंड साथ में वो बेल आइकॉन का दबाएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।